वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। हम चर्चा कर रहे थे जेनेटिक्स में डीएनए के बारे में। डीएनए पूरा हमने आपको बता दिया था। आज हमको सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनाना था, प्रोटीन बनवाना था। देखिए डीएनए से क्या बनता है बाबू, आरएनए बनता है, ठीक है, राइट। यानी कि डीएनए को कोड करके आरएनए बनता है, आरएनए को कोड करके प्रोटीन बनाया जाता है, ठीक है। प्रोसेस का नाम होता है यहाँ पर डीएनए से डीएनए भी बनता है। डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। और डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस का नाम हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या चीज़, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन बोलते हैं। और हमने बताया था आरएनए से डीएनए भी बनने लगता है कुछ वायरसेस में, ठीक है, वायरसेस में। इसको तो रिवर्स होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, चलिए रेप्लिकेशन का, किसका, रेप्लिकेशन का। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग रेप्लिकेशन का, यानी कि एक डीएनए से दो डीएनए बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक डीएनए है, सपोज कीजिए ये हमारा एक डीएनए है, इसमें क्या होगा, ये 5' होगा, ये 3' होगा। अगर ये 5' है तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये वाला 5', ये वाला 3', एक दूसरे के डीएनए एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। और कैसे होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। और ये जो होता है इनकी पोलरिटी अलग अलग होती है, 5' है, 3', है। 3' का मतलब 3' 30, तीसरे नंबर पर OH खाली है, यहाँ पर पाँचवें नंबर पर क्या चीज़ आपका CH2OH खाली है, ठीक। अब देखिए होता क्या है रिप्लिकेशन में, रिप्लिकेशन में जो है एक डीएनए से हमको दो डीएनए बनाना है, ठीक। अब एक डीएनए से दो डीएनए बनाने के लिए हमको कुछ एंजाइम चाहिए। पहला जो सबसे मेन एंजाइम इसमें होता है उसका नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम होता है, डीएनए पॉलीमरेज। यही क्या करेगा, चीज़ों को पॉलीमराइज करेगा। पूरा नाम बताइए डीएनए पॉलीमरेज का, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। क्या चीज़, डीएनए के ऊपर रह करके ही डीएनए को पॉलीमराइज कर रहा है, इसीलिए पूरा नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा एंजाइम होता है आपके पास हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम, हाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देगा, ये कट कर देगा। जो बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं यहां पर हेलिकेज एंजाइम क्या कर देगा, इसको काट देगा। तीसरा होता है टोपोआइसोमरेज और गायरेज एंजाइम, टेंशन को रिमूव करेगा, वो उतना मत याद कीजिए। तीसरा होता, एक आपका चौथा होता है डीएनए लाइगेज। कौन सा एंजाइम होता है, डीएनए लाइगेज। ये डीएनए लाइगेज हमेशा याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए लाइगेज जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं इनको जोड़ने का काम करता है, चिपका देता है, छोटे छोटे टुकड़ों को चिपका देता है। यानी कि ये क्या करता है, ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कर देता है, ये जोड़ देता है। ओके, इसके अलावा जो होता है आपका एक आरएनए का प्राइमर होता है, छोटा सा आरएनए का टुकड़ा होता है जो रीड करने का काम करता है कि कहाँ से 3' स्टार्ट है। देखिए अब जो ये आपका ये आपका रेप्लिकेशन है, यानी कि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज होता है, क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो हमेशा और हमेशा 3' OH पर काम करता है, एक ही डायरेक्शन में। तो देखिए हेलिकेज आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देगा, कट कर देगा, ठीक है। हेलिकेज आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कट कर दिया। अब 3' OH पे, 3' OH कहाँ पे है, यहाँ पे है। 3' OH पे जो होगा एक डीएनए लगातार बनता रहेगा, क्यों, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3' OH पर काम करता है लगातार। लेकिन यहाँ पर देखिए 5' OH है तो यहाँ तो लगातार काम नहीं कर पाएगा, तो ये उसको उल्टे डायरेक्शन में आना पड़ेगा। ये सब डिटेल में हम और चीज़ें पढ़ाएंगे, अभी उतना समझ में नहीं आपको आएगा, खाली याद कर लीजिए। ऐसे हम डिटेल में 18 तारीख से आपको एकदम ये सब कुछ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अब देखिए ये डीएनए क्या है, ये डीएनए सपोज कीजिए और खुला है, ऐसे ये खुल गया डीएनए, ठीक है। अब ये क्या था, ये 3' था, ये 5' था। अब देखिए होता क्या है, जो 3' वाले पर डीएनए होता है ये डायरेक्ट बन गया, लेकिन 5' वाले पर ऐसे, ये देखिए 5' वाले में छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डीएनए बनता है। तो जिस पर कंटिन्यूअस डीएनए बन रहा है 3' वाले पर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड। और जिस पर डिसकंटिन्यूअस बन रहा है उसको बोलते हैं बाबू लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्पलेट बोलते हैं। और इसको नॉन टेम्पलेट बोल दीजिए। देखिए ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने हैं 5' पर, इस फ्रेगमेंट का नाम याद रखिएगा, इन फ्रेगमेंट का नाम होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या नाम होता है, ओकाजाकी
फ्रैगमेंट, ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, क्योंकि ओकाजाकी ने खोजा था इसीलिए ओकाजाकी फ्रैगमेंट इनका नाम होता। अब देखिए ये ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट होता है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीडिंग स्ट्रैंड पर बनता है या लैगिंग स्ट्रैंड पर बनता है, तो याद रखिएगा हमेशा ये और ये हमेशा और हमेशा लैगिंग स्ट्रैंड पर बनता है, ठीक। और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट होते हैं। अब ये जो फाइव डैश वाले पर बनता है, जिसकी पोलरिटी फाइव डैश, देखिए डीएनए पॉलीमरेज जो रीड करता है 3-5 डायरेक्शन में रीड करता है, लेकिन जो सिंथेसिस होता है डीएनए का जो बनता है वो 5-3 में बनता है। तो ये 5-3 जिसकी पोलरिटी होगी उस पर ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनेगा। अब देखिए होता क्या है, जो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट बने हैं बाद में इन्हीं को जो है उठा करके जोड़ दिया जाएगा। देखिए ये तो आपका ओरिजिनल डीएनए था, ठीक है, ये देखिए आपका ओरिजिनल डीएनए था, ये पूरा ओपन हो गया। अब देखिए ये डीएनए लाइगेज हमने बताया ना, डीएनए लाइगेज देखिए छोटे छोटे फ्रैगमेंट होगा जाके फ्रैगमेंट बने थे। तो अब देखिए डीएनए लाइगेज आ करके इन फ्रैगमेंट को पूरा एक जोड़ देगा, ठीक है, पूरा एक कर देगा, इसको एक कर देगा। ये देखिए एक इसमें भी कर दिया ऐसे, ठीक है, इसमें तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अलग अलग फ्रैगमेंट बने ही नहीं थे। अब इसमें हो जाएगा ऐंठन, क्या हो जाएगा इसमें ऐंठन, स्टेबिलिटी के लिए ऐंठन जैसे ही हो जाएगा तो ऐंठन होगा कि देखिए ऐंठ गया ये डीएनए, ठीक। तो अब देखिए क्या बन गया, ये डीएनए आपका बन गया, यानी कि एक डीएनए से जो हमने ब्लैक कलर का लिया था, एक डीएनए से, ये देखिए जो ब्लैक कलर का एक डीएनए लिया था उससे कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए बन गए। अच्छा ये बताइए जो दोनों डीएनए बने हैं इसमें एक पुराना वाला है, एक पुराना वाला स्ट्रैंड है, एक नया वाला स्ट्रैंड है, एक पुराना वाला स्ट्रैंड है, एक नया वाला स्ट्रैंड है, यानी कि ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। इसीलिए डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता, सेमी कंजर्वेटिव होता। सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है, आधा अभी भी इसमें कंजर्व है, यानी कि आधा पहले वाला है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन, ठीक। ये हो गया लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड। देखिए सेमी कंजर्वेटिव को प्रूफ करने के लिए क्या चीज, सेमी कंजर्वेटिव को प्रूफ करने के लिए, सेमी कंजर्वेटिव को प्रूफ करने के लिए दो साइंटिस्ट आए, मिसेलसन एंड स्टाहल, मिसेलसन, ठीक है, मिसेलसन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट होता है, इकोलाई पर इन्होंने किया था, ठीक। एक ये होता है और एक जॉन टेलर ने, किसने, जॉन टेलर ने विसिया फावा बीन्स की रूट पर रेडियो एक्टिव थाइमीन का यूज किया था, किसका, रेडियो एक्टिव थाइमीन का यूज करके ये बताए थे कि हाँ भाई जो डीएनए का आपका क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। अब देखिए ये था आपका डीएनए से डीएनए, अब डीएनए से आरएनए बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, डीएनए से आरएनए बनाएंगे। तो डीएनए से आरएनए यानी कि हेडिंग का नाम होगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन, हेडिंग का नाम हो जाएगा आपके ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से हम क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। देखिए एंजाइम का नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज, शॉर्ट में आरएनए पॉलीमरेज। पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताने के लिए देखिए पूरा नाम कुछ भी बोलो, जैसे एक्स से वाई बन रहा है, क्या बन रहा है, एक्स से वाई बन रहा है, तो एक्स पे डिपेंड रह करके वाई बनेगा ना, तो नाम होगा X डिपेंडेंट Y पॉलीमरेज, समझे, जिससे बन रहा है उसका नाम पहले लिखेंगे, जो बन रहा है उसका नाम बाद में लिखेंगे, और जिससे बन रहा है उस पर वो डिपेंड है, और जो बन रहा है उसका नाम पॉलीमरेज करके लिख देंगे। इसमें बताइए क्या होगा, पहले कौन है, डीएनए है का आरएनए है, पहले डीएनए है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो किसका नाम लिखेंगे, यक्स का नाम पहले लिखेंगे, यानी कि डीएनए लिखेंगे पहले, डीएनए, उसके बाद बढ़ाने देंगे डिपेंडेंट, डीएनए पे डिपेंड रह करके क्या बना रहा है, आरएनए, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसका नाम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, आरएनए पॉलीमरेज बोल देते हैं। अच्छा अब यहीं से क्वेश्चन आपका एक तैयार हो जाता है इसी एंजाइम के नॉमेनक्लेचर से है कि आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है उसका दूसरा नाम क्या है, इसका नाम आप लोग बताइए क्या होगा, आरएनए से डीएनए बन रहा है यानी कि यहाँ पर एंजाइम का नाम हो जाएगा आरएनए डिपेंडेंट, क्योंकि आरएनए से बन रहा है ना, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ भी दे करके। तो
मतलब कॉन्सेप्ट वही है, जिससे बन रहा है वो उसका डिपेंडेंट होगा, जो बन रहा है उसका पॉलीमरेज होगा। तो आरएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एंजाइम कौन सा यूज होता है, आपका आरएनए पॉलीमरेज हो गया, और बाकी आपको हेलिकेज एंजाइम, हाइड्रोजन बॉन्ड कट करने के लिए चाहिए, और टोपो आइसोमरेज गायरेज टेंशन को कम करने के लिए चाहिए, ठीक है। मेन है आप आरएनए पॉलीमरेज पर फोकस कीजिए। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज को अगर हम देखें बाबू, तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो तीन चीज़ों का मिल करके बना होता है। एक इसमें होता है सिग्मा फैक्टर, क्या होता है ये, होता है सिग्मा फैक्टर, और एक होता है रो फैक्टर, क्या चीज़, RHO, रो फैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर हो गया, रो फैक्टर हो गया, और ये आपका एक एंजाइम वाला पार्ट होता है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज है पूरा एंजाइम है, इसके अंदर दो छोटी छोटी गोली पड़ी है, एक का नाम होता है सिग्मा, एक का नाम होता है रो, बाकी जो एंजाइम बचा है वो एंजाइम है। तो तीन चीज़ें होती हैं, एक सिग्मा फैक्टर, एक रो फैक्टर, ये बाकी बचा हुआ एंजाइम वाला पार्ट। देखिए सिग्मा फैक्टर क्या करता है, शुरुआत करवाता है, इनिशिएशन का काम करवाता है, ठीक है। रो फैक्टर बंद करवाने का काम करता है, रो का मतलब क्या हो गया, यानी कि आपका टर्मिनेशन करवाने का काम करेगा, क्या करेगा ये, टर्मिनेशन करवाता है, ठीक है। और एंजाइम जो है इलांगेशन करवाता है। तो तीन तीन हो गए, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन, तीन पार्ट हो गए। इनिशिएशन का मतलब शुरुआत करना, और इलांगेशन का मतलब उसको बढ़ा देना, और लास्ट में उसको काट के निकाल देना। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। अब देखिए होता कैसे है प्रोसेस, देखिए प्रोसेस होता ऐसे है कि मान लीजिए ए भी थ्री डैश पर ही होगा, और खाली एक स्टैंड पर होगा, दोनों स्टैंड पर नहीं होता है। दोनों स्टैंड पर क्यों नहीं होता है ये हम बाद में बताएंगे जब डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये सपोज़ कीजिए ये आपका क्या है, एक डीएनए है, ठीक, डीएनए है, ये सपोज़ कि इसका थ्री डैश है, ये इसका फाइव डैश है, अगर ये थ्री डैश है ये फाइव डैश होगा, ये क्या होगा, इसका थ्री डैश होगा। अब देखिए इसमें जो है आपका आके यहाँ पर थ्री डैश वाले पर, किस पर, थ्री डैश वाले पर आपका ये देखिए क्या लगता है, आरएनए पॉलीमरेज लग गया, क्या लग गया, आरएनए पॉलीमरेज आपका लग गया, ठीक है। अब जब आरएनए पॉलीमरेज आपका लग गया यहाँ पर, तो जैसे ही यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज लगा थ्री डैश पर, उसका सिग्मा फैक्टर यहाँ काम करेगा, कौन सा फैक्टर काम करेगा, सिग्मा फैक्टर काम करेगा। सिग्मा फैक्टर क्या होगा, इनिशिएशन काम करवाएगा, इनिशिएशन जैसे ही करेगा ये धीरे धीरे ये देखिए आरएनए बनना चालू हो जाएगा। बस इसमें एक ही अंतर होगा कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपका एडनिन होगा, क्या एडनिन, एडनिन के सामने क्या आना चाहिए बताइए, एक एडनिन के सामने थायमिन आना चाहिए, थायमिन की जगह नहीं लाएगा, थायमिन की जगह पर यूरैसिल लाएगा, बस इतना ही अंतर होता है। अब ये देखिए ये वाला स्ट्रैंड किसी काम का नहीं है, फाइव डैश वाला थ्री टू फाइव वाला काम का है। तो ये ऐसे आगे आरएनए आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आरएनए बनता चला गया, ये देखिए इसको थोड़ा सा हम बाहर कर दें ऐसे, यानी कि आरएनए बनने वाला जो आरएनए है ये देखिए, सपोज कीजिए आरएनए यहाँ पर पहुँच गया, ये देखिए बनने वाला आरएनए है, तो ये थ्री डैश है, ये फाइव डैश होगा, और यहाँ पर आरएनए का क्या होगा, थ्री डैश होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ढेर सारे क्या होंगे, ये इसके नाइट्रोजिनस बेस होगा, क्या होगा, ये नाइट्रोजिनस बेस होगा, ठीक। अब देखिए होता क्या है इसमें, अब देखिए होता क्या है इसमें कि ये फाइव डैश है, ये थ्री डैश है, ओके। जैसे ही थ्री डैश अच्छा खासा लेंथ मिल गया आरएनए का, क्या अच्छा खासा आरएनए का जैसे ही लेंथ मिल गया, वैसे ही यहां पर रो फैक्टर काम करना चालू कर देगा, किसका रो फैक्टर, किसका, आपके आरएनए पॉलीमरेज का रो फैक्टर, कहेगा भाई ये बहुत बन गया अब इसको निकाल दो, ठीक। तो ये कट के यहाँ से आरएनए एक आपका निकल जाता है, तो ये जो निकला ये आपका आरएनए है, क्या है ये, आरएनए है, ये आरएनए है, ठीक है। इसका ये फाइव डैश है, इसका ये क्या चीज़ है, थ्री डैश है, ठीक। अब ये देखिए इस पर क्या लगे होंगे सब, नाइट्रोजिनस बेस लगे होंगे। अब देखिए कि जो आपका, ठीक है, जो आपका फाइव डैश टू थ्री डैश वाला था डीएनए में, उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक, कोडिंग स्ट्रैंड। और जिस पर बना आरएनए उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड,
कोडिंग स्ट्रैंड इसीलिए बोलते हैं नीचे वाले को, क्योंकि इसका एकदम एग्जैक्ट कॉपी ये आरएनए वाला होता है 5-2-3 वाला, इसीलिए इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो कोडिंग हो गया, नॉन कोडिंग हो गया, और ये जो बना आपका आरएनए बना। ठीक, ये देखिए आरएनए बन गया आपका। अब ये जो हमारा आरएनए बना है, यहाँ से दो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। देखिए होता ये है कि जो हमारा ये आरएनए बना हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा आरएनए बना है, ये देखिए प्रोकैरियोटिक का अगर हम केस देखेंगे, प्रोकैरियोटिक का हम केस देखेंगे तो देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि ये है उसका जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ये सब नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे खाली जिस स्थान पर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, राइट, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब देखिए अगर डीएनए से डीएनए बना वो भी साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म कोई बाउंड्री नहीं है, यानी कि डीएनए से आरएनए बना वो भी यहीं पर होगा, और आरएनए से प्रोटीन बनेगा वो भी साइटोप्लाज्म में होगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, चाहे आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस, सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम यूकैरियोटिक का केस देखें, किसका देखेंगे? यूकैरियोटिक का केस देखेंगे, तो यूकैरियोटिक सेल में आपको पता है डीएनए के चारों तरफ क्या होता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, जो सेपरेट करता है इसको साइटोप्लाज्म से। तो अगर रेप्लिकेशन होगा तो वो सेल के अंदर होगा, ठीक है, रेप्लिकेशन हो गया, और आपके अगर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए बनेगा वो भी सेल आपके मेम्ब्रेन के अंदर ही होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, यानी कि आपका रेप्लिकेशन और, ठीक है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन यानी कि न्यूक्लियस में होता है। किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। बाकी ये आरएनए इस पोर से, न्यूक्लियर पोर से मूव कर जाएगा, किस में? साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इससे प्रोटीन बनेगा। तो जो आपका ट्रांसलेशन होता है, जो आपका ट्रांसलेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, तो इतना याद रखिएगा, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में होता है। अब देखिए होता क्या है कि प्रोकैरियोटिक के केस में कोई भी बाउंड्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए बाउंड्री है, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ हो रहा है, ट्रांसलेशन यहाँ हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है? कोई बाउंड्री ना होने के कारण साथ चलता है, तो एक ही साथ चलता है, जैसे 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 आरएनए बनता चला जाएगा वैसे वैसे साथ में प्रोटीन भी बनता चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस होता है, एक ही साथ होता है, एक ही टाइम पर होता है, साइमल्टेनियस होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन पहले कहाँ पर हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, उसके बाद ट्रांसलेशन कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ नहीं होगा, अलग अलग टाइम पर होगा। और देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के केस में क्या अंतर होता है? प्रोकैरियोटिक में जो होता है वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज तीन होता है, तीन आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। अब हम आपको पता है कि आरएनए तीन तरीके के होते हैं, आरआरएनए होता है, और आपका टीआरएनए होता है, और क्या होता है? एमआरएनए होता है, तीन आरएनए होते हैं, ठीक, आरटीएम, ओके। अब देखिए यूकैरियोटिक में खाली और खाली एक ही आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, क्या चीज़? एक ही आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, ठीक। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में अगर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ने किसको, डीएनए को रीड किया, किसने? आरएनए पॉलीमरेज तीन है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज वन, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। अगर इसने डीएनए को रीड किया, किसने? आरएनए पॉलीमरेज वन ने, तो कौन सा आरएनए बनवाएगा? आरआरएनए बनवाएगा। क्या बनाएगा? आरआरएनए बनवाएगा। सेकंड ने रीड किया तो एमआरएनए बनवाएगा, थर्ड ने रीड किया तो टीआरएनए बनवाएगा। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक, यानी कि आरएमटी याद रख लीजिए, आरएमटी, एचएमटी की घड़ी आती है ना, तो आरएमटी आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है, आरएमटी। ये फर्स्ट वाला आरएनए पॉलीमरेज आर बनवाएगा, सेकंड वाला एम बनवाएगा, थर्ड वाला टी बनवाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके यूकैरियोटिक के केस में एक ही आरएनए पॉलीमरेज डिमांड के अनुसार तीनों बना देगा, आर टी, ठीक है, आर टी एम आर एन ए, तीनों आर एन ए यही बनवा देगा, ठीक। अब देखिए होता क्या है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद डीएनए और आपके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं,
जो हमारा आरएनए बना, देखिए सबसे पहले हम समझा दें, जो आपका आरएनए बना है ये 5' है, ये वाला 3' है। जो हमारा आरएनए होता है कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं कहीं पर ये लूज होता है, कहीं कहीं पर एकदम टाइटली लिंक होता है। क्या होता है? टाइटली लिंक। आप उसको रीड ही नहीं कर सकते यहाँ क्या लिखा है, ठीक। कहीं कहीं पर लूज, कहीं कहीं पर एकदम टाइटली लिंक होता है, रीड ही नहीं कर सकते। कहीं कहीं पर क्या होता है, एकदम लूज होता है, कहीं कहीं पर टाइटली। तो जहाँ पर टाइटली होता है उसको बोलते हैं इंट्रॉन वाले पार्ट। क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। जहाँ पर ये लूजली होता है इसको बोलते हैं एग्जान वाले पार्ट, ठीक है। तो जिसमें इंट्रॉन और एग्जान दोनों प्रेजेंट होता है उसको हम लोग अभी HNRNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HNRNA बोलते हैं। तो इंट्रॉन और एग्जॉन, इंट्रॉन हमारे किसी काम के नहीं होते हैं क्योंकि हम इसको रीड नहीं कर सकते हैं। एग्जॉन हमारे अच्छे वाले पार्ट होते हैं आरएनए का, इनका हम यूज करेंगे प्रोटीन बनाने में। तो एग्जॉन से प्रोटीन बनता है, इंट्रॉन से प्रोटीन नहीं बनता है, अगर हम जनरल वे में देखेंगे, ठीक। अब देखिए होता क्या है, लेकिन 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 प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में खाली और खाली एग्जॉन पाए जाते हैं, यूकैरियोट